चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित इसरो अपने पहले 100 मिशन की पूरी तैयारी कर चुका है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। इस मिशन को PSLV रॉकेट द्वारा 2 सितंबर को लॉन्च किया है। चलिए आदित्य L1 मिशन से जुड़े कुछ प्रमुख सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित इसरो अपने पहले 100 मिशन की पूरी तैयारी कर चुका है। इसरो आदित्य L1 मिशन पर बहुत पहले से काम कर रहा था। वर्ष 2019 में केंद्र ने आदित्य L1 मिशन के लिए लगभग $46 मिलियन के बराबर राशि मंजूर की थी। इसरो ने लागत पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 के पास हेलो ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। चलिए आदित्य L1 मिशन से जुड़े कुछ प्रमुख सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आखिर आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 एक साइंटिफिक स्पेस क्राफ्ट है। यह एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो स्पेस टेलीस्कोप और अन्य इंस्ट्रूमेंट से लैस है। यह 24/7 सूर्य से जुड़े अध्ययन को अंजाम देगा। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नंबर 2, क्या यह एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा? नहीं, यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच सीधी रेखा पर पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर एक पॉइंट पर स्थिर रहेगा, जिसे लैग्रेंजियन 1 पॉइंट कहा जाता है। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। नंबर 3, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने साइंटिफिक पेलोड भेजे जा रहे हैं? आदित्य L1 मिशन 7 वैज्ञानिक पेलोड कहे तो उपकरण लेकर जाएगा। आदित्य L1 मिशन स्पेसक्राफ्ट के पेलोड फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों का अध्ययन करेंगे। नंबर 4, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। नंबर 5, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट कितने समय में लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचेगा? आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। पहले इसे पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट में स्थापित करने के लिए बूस्ट किया जाएगा। इस मिशन के लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। नंबर 6, आदित्य L1 मिशन की लागत कितनी है? वर्ष 2019 में केंद्र ने आदित्य L1 मिशन के लिए लगभग $46 मिलियन के बराबर राशि मंजूर की थी। इसरो ने लागत पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया है। नंबर 7, लैग्रेंजियन L1 पॉइंट क्या है? लैग्रेंजियन L1 पॉइंट किन्हीं 2 खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी सूर्य या पृथ्वी चंद्रमा के बीच का स्पेस है। लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पर रखा कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रहेगा, क्योंकि यह दोनों पिंडों से समान रूप से खींचे जाने के अधीन होगा। किन्हीं 2 पिंडों के बीच ऐसे कई लैग्रेंजियन पॉइंट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य के बीच में ऐसे 5 पॉइंट है। नंबर 8, सूर्य का अध्ययन कैसे करेगा आदित्य L1? स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में दूर से जानने के लिए ऑब्जेक्ट से किसी प्रकार का संचार होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप पत्र या उसकी आवाज आदि से संपर्क स्थापित करना होगा। इसी प्रकार दूर से किसी खगोलीय ऑब्जेक्ट बारे में जानना है तो उसके संपर्क में आना ही होगा। सूर्य के केस में प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ही माध्यम है। नंबर 9, आदित्य L1 मिशन अपने साथ कौन कौन से पेलोड ले जा रहा है? आदित्य L1 मिशन अपने साथ 7 पेलोड को लेकर जा रहा है, जो इस प्रकार है: विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पेलोड सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑन ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। नंबर 10, क्या सूर्य के ताप से ये उपकरण पिघल नहीं जाएंगे? लैग्रेंजियन L1 पॉइंट पृथ्वी से सूर्य की दिशा में सिर्फ
1.5 मिलियन किमी दूर है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी का 1% है। बेशक लैग्रेंजियन पॉइंट पर तापमान अधिक होगा, लेकिन कुछ हजारों या लाखों के तापमान से कहीं कम होगा। साथ ही इन उपकरणों को इतनी क्षमता के साथ ही तैयार किया गया है, जिस कारण ये उपकरण पिघलेंगे नहीं। नंबर 11, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? आदित्य L1 मिशन सौर गतिविधियों का अध्ययन करेगा। स्पेसक्राफ्ट के पेलोड, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का अध्ययन करेंगे। सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग की बनावट, तापमान प्रक्रिया, सौर तूफान की उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों आदि का अध्ययन करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं नए वीडियो में।